गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रैक्शन वाला सबट्रैक्ट पढ़ना है, ठीक ना। क्लास 5 में एक्सरसाइज 7.6 में फ्रैक्शन वाला सबट्रैक्ट पढ़ना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फ्रैक्शन वाला सबट्रैक्ट में सबसे पहले फ्रैक्शन वाला सबट्रैक्ट, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा आपको स्पष्ट रूप से कि 11/15 -2/5 है, तो सबसे पहला स्टेप जो यहाँ करना है हम लोग को एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 15 एंड 5, ठीक ना। क्या निकाल दिए हम लोग, एलसीएम ऑफ 5 एंड 15। तो 5 और 15 का एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग, यहाँ देखिए एलसीएम निकालते हैं रफ में, 15 और 5 का एलसीएम निकालिए, तो 5 के टेबल से लगेगा, तो 5 3 15 5 5, यानी 5 × 3 = 15। एलसीएम कितना है, 15 आया, ये रफ में मिटा देते इसको, तो 15 एलसीएम आया, तो 15 को यहाँ देखिएगा नीचे लिख देंगे। अब 15 कितने बार में आया, फिर इसको क्या पड़े, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 को डिवाइड करें तो 1 होगा और 11 करें तो 1 11 माइनस। अच्छा देखिए, 5 को नीचे से डिवाइड करते, 5 3 15 कट जाएगा और ऊपर से मल्टीप्लाई करते, तो 5 3 और 3 2 6 = 11 में से 6 जाएगा 5/15 कट जाएगा, इसका तो 1/5 आंसर। बस मिल रहे हैं, तो इसी तरह से हम लोग को इसमें बनाना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में देखिएगा, कहता है 18/23। तो इसमें देखिए, जब बेस दोनों का सेम है, जब दोनों का बेस सेम है, तब हम लोग का एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे 23 आप कर दीजिए, ऊपर 18 कर दीजिए, -12 कर दीजिए, जो आएगा 18 में से 12 चलेगा, कितना हो जाएगा 6/23 आंसर हो जाएगा हमारा। जब बेस सेम हो तो हम लोग उतना मेहनत नहीं करना होगा, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें, यहाँ देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा कहता है थर। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्या आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते और इसको ऐड करते, 4 3 12 1 13/4 माइनस 3 1 3 2 5/3। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ कितना, 4 एंड 3 = 12। काहे भाई, जब दोनों आपस में, याद रखिएगा, जब बेस आपस में क्या नहीं हो सकता, एलसीएम नहीं हो सकता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 12 आ गया। अब नीचे यहाँ 12 लिख देते, नीचे क्या लिखेंगे, अब हम लोग 12 लिखेंगे, देखिए थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, नीचे 12 लिख देंगे। अब 4 कितना बार में डिवाइड होगा, 4 3 12 और 13 3 39 माइनस, यहाँ लिखिएगा 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना बार है, 4 बार में, और 5 4 20, ठीक है, 39 को इससे कर देंगे तो 9 119/12 आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का इसी के साथ साथ सब्ट्रैक्ट जो है इसमें ऐसे ही होता है, ठीक ना। जो भी सब्ट्रैक्शन का जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग का, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का जितना भी क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन हम लोग का ऐसे ही बनेगा, ठीक है। थैंक यू।